ऑस एवरीवन, आप सभी को फिर से एक न्यू ट्यूटोरियल वीडियो पर स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आप कैसे रियल में खुद की सेल्फ डिफेंस खुद कर सकते हो। ऐसे कोई सिचुएशन आ गया, कोई स्ट्रेट फाइट हो गया, या फिर कोई आपको अटैक करे, कोई आपको जान लेने की कोशिश करे, आप खुद की सेल्फ डिफेंस खुद कैसे कर पाओगे। मैं कुछ ऐसे यूट्यूबर का वीडियो देख रहा था जो सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, तो फेक सेल्फ डिफेंस है। मैं 100% नहीं, 1000% श्योर हूँ, और मैं श्योर से कहता हूँ वो सब टेक्निक में फेंक है। तो आप ये टेक्निक करोगे रियलिटी में कुछ काम में नहीं आएगा। रियली में आप सेल्फ डिफेंस करना चाहते हो तो पहले आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, फिर आपको मार्शल आर्ट के कुछ टेक्निक सीखना पड़ेगा, जैसे कि कुछ अटैक हो गया, कुछ ब्लॉक हो गया, ग्राउंड फाइट, ग्रैपलिंग और कुछ किक, आप ऐसे सीखना पड़ेगा। आप नहीं सीखोगे तो खुद की सेल्फ डिफेंस खुद नहीं कर पाओगे। जैसे कि कोई यूट्यूबर बता रहा है कोई आपको कॉलर ऐसे पकड़ लिया, तो आप खुद की सेल्फ डिफेंस कैसे करोगे। मैं देख रहा था वो वीडियो, वो क्या कर रहा था ना, हाथ को ऐसे घुमा के यहाँ पे पकड़ लेता था, फिर फेस पंच अटैक करता था। कोई अटैक करने के लिए आया है और आपके जान लेने के लिए आया है, वो क्या ऐसे कॉलर पकड़ के खड़ा होगा, देखेगा आप वो क्या कर रहा है। बस वो अटैक करने के लिए आया है तो कलर पकड़ेगा, फेस पंच अटैक कर सकता है, नी स्ट्राइक अटैक कर सकता है, एल्बो अटैक कर सकता है, फ्रंट किक अटैक कर सकता है, कुछ भी अटैक कर सकता है। वो रियली में काम में नहीं आने वाला है, रियल में काम नहीं आने वाला है। देखो करके दिखाओ, ब्लॉक करो इसे, बस ऐसे हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं झुका हूँ अभी, वो मुझे थोड़ा सा झुका है, मेरा लेग है, मैं ग्रोइंग को अटैक कर सकता हूँ, फेस पर एल्बो अटैक कर सकता हूँ, कहीं पर उसे डाउन करके थ्रो कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ रियल टेक्निक सीखना है। कोई यूट्यूबर ऐसे बोल रहा है कि ऐसे पकड़ लो, फेस पर परफेक्टली पंच मार लो, किक मार लो, ऐसे किक नहीं होता है, ऐसे पंच नहीं होता है। पंच करने के लिए आपको परफेक्टली फिस्ट करना पड़ेगा, परफेक्टली फिस्ट नहीं होगा तो आप पंच कर रहे हो तो आपका थंब फिंगर या फिर कोई भी उंगली खुला रहेगा तो उंगली टूट जाएगा, ये बात ध्यान में रखना, उंगली टूट जाएगा। आपको किक करना है, फ्रंट किक ऐसे मारते, फ्रंट किक कैसे मारते हैं, तो पहले आपको फ्रंट किक कैसे किया जाता है वो सीखना पड़ेगा। फ्रंट किक करने के लिए आपका टो लगना चाहिए, फिंगर नहीं, फिंगर लगेगा फिंगर टूट जाएगा। तो परफेक्ट टेक्निक सीखना चाहिए। आपको बोल रहे हैं कि पंच कर लो, ऐसे फेस पर पंच कर लो, फुल पार फुल स्पीड से पंच कर लो, आपका पंच हैंड का स्ट्रेंथ नहीं होगा, आपका पावरफुल पंच नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, रिस्ट टूट जाएगा। तो इसके लिए फिजिकली स्ट्रांग बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मेंटली स्ट्रांग बनना होता है। मेंटली स्ट्रांग और फिजिकली स्ट्रांग बनोगे तो आपके मन में डर हट जाएगा, आप प्रॉपरली टेक्निक कर पाओगे और सही से सेल्फ डिफेंस कर पाओगे। मैं कुछ ऐसे यूट्यूबर का टेक्निक देख रहा था कि वो ग्राउंड फाइट कर रहा है, वो टाइकांडो कर रहा था। टाइकांडो सेमी कॉन्टैक्ट फाइट होता है और कराटे भी सेमी कॉन्टैक्ट फाइट होता है, जिसमें आपको ऐसे पुल बैक होता है, जिसमें पॉइंट मिलता है। तो वो टेक्निक में कुछ इफेक्टिवल नहीं है। तो सेल्फ डिफेंस करना है तो आपको फुल कॉन्टैक्ट फाइट सीखना पड़ेगा, जैसे कि मिक्स मार्शल आर्ट, कुडो, कर्मागा, जिजुसु। वो जिजुसु टेक्निक कर रहा था, वो तो आपको ऐसे ग्राउंड में गिरा के, ऐसे ग्राउंड में गिरा के आर्म बार करता है, तो आर्म बार परफेक्ट नहीं था, ऐसे आर्म बार करता है, वो आर्म बार परफेक्ट नहीं था। आर्म बार परफेक्ट कैसे होगा, देखो गिरो नीचे जमीन पर गिरो, आर्म बार परफेक्ट कैसे होगा देखो। वो क्या कर रहे थे ना, यहाँ पे एल्बो यहाँ है, एल्बो यहाँ है, तो यहाँ पे लग कर रहा था। यहाँ पे लग करने से क्या होगा, हाथ नीचे खींचो, आराम से खिसक जाएगा, आप प्रॉपरली लॉक नहीं कर पाओगे। परफेक्ट आर्म बार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे ये करूँगा तो वहाँ पे टैप करेगा, यहाँ पे परफेक्ट आर्म बार करना चाहिए। परफेक्ट आर्म बार जिजुत्सु में होता है, जो मिक्स मार्शल आर्ट फाइट में किया जाता है। तो परफेक्ट आर्म बार, अब परफेक्ट आर्म बार नहीं कर पाओगे तो वो अदर लॉक कर लेगा। देखो यहाँ पे करो ऊपर से, हाँ देखो परफेक्ट अंबर नहीं कर पाओगे तो ओपोनेंट उठ जाएगा, ऐसे आपको लेग लॉक कर लेगा। तो इसीलिए ग्राउंड फाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्राउंड फाइट क्या है,
और आप सही से टेक्निक सीखो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो सेल्फ डिफेंस काम में आएगा ही नहीं। तो इसीलिए आपको कुछ अटैक सीखना पड़ेगा, जैसे पंच, पर्पल लिप पंच कैसे किया जाता है, फोर्स कहाँ से आता है, ग्रैपलिंग टेक्निक, ग्राउंड फाइट, फिर आपको कुछ किक परफेक्ट मारना चाहिए, जैसे कि फॉर डिस्टेंस परफेक्ट किक, जैसे कि राउंड हाउस किक, लो राउंड हाउस किक परफेक्ट में आना चाहिए, जैब पंच परफेक्टली फेस पर आना चाहिए, जैब पंच कैसे किया जाता है, फिस्ट कैसे होगा, क्रॉस पंच कैसे किया जाता है, हुक पंच कैसे किया जाता है परफेक्टली, अपर कट कैसे किया जाता है, फ्रंट किक कैसे किया जाता है, मैं कंट्रोल में कर रहा हूँ, चेस्ट गार्ड पहना है फिर भी मैं कंट्रोल में कर रहा हूँ क्योंकि वो लैग ना जाए, तो इसलिए मैं कंट्रोल में कर रहा हूँ। फ्रंट किक परफेक्टली कैसे किया जाता है, फ्रंट किक परफेक्टली नहीं करोगे क्या होगा, आपका उंगली टूट जाएगा। कोई भी अटैक फेस पर आता है, फर्स्ट अटैक करो तो आपको प्रॉपरली ब्लॉक कैसे करना है, अटैक कैसे करना है, बैक किक, वो सब सीखना है आपको। आप प्रॉपरली मार्शल आर्ट नहीं सीखोगे तो खुद की सेल्फ डिफेंस खुद नहीं कर पाओगे। ऐसे कोई टेक्निक हो गया, कोई आपको ऐसे पकड़ लिया और आपको बोला जाता है कि ऊपर से हाथ ऐसे लो, यहाँ पर अटैक करो, ग्रोइंग पर अटैक करो, और रियल में काम नहीं आने वाला है, रियल में वो टेक्निक काम नहीं आने वाला है, कि कोई हमको ऐसे पकड़ लिया, पकड़ के सिर्फ आपको मारने के लिए आया है और ऐसे पकड़ के सिर्फ देखने के लिए नहीं आया है, कि वो पकड़ लिया तो आप यहाँ पे अटैक करोगे, यहाँ पे अटैक करो, देखते रह जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला। कोई आपको ऐसे पकड़ लेता है ना, ऊपर से हाथ लेके खूख लो, यहाँ इतना करते वक्त ग्रोइंग अटैक कर लेगा, यहाँ पे गिरा देगा। रियल में आपको सेल्फ डिफेंस सीखना है तो पहले मार्शल आर्ट सीखो, कुछ टेक्निक सीखो, फेस पंच को कैसे ब्लॉक किया जाता है, मिड सेक्शन पंच को कैसे ब्लॉक किया जाता है, किक को कैसे ब्लॉक किया जाता है, ये तीनों ब्लॉक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर और क्या होता है ना, सीधा अटैक, सामने से कोई स्ट्रेट अटैक आता है तो कैसे ब्लॉक करना चाहिए, ऊपर से कोई अटैक आता है तो उसे कैसे ब्लॉक करना चाहिए, आउटसाइड से अटैक आता है तो कैसे ब्लॉक करना चाहिए, वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको इंसान के वीक पॉइंट कहाँ है वो जानना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे अटैक करके आप खुद की सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, वीक पॉइंट कहाँ है, फिर आपको कैसे अटैक करना चाहिए, आपको पंच हो गया, हुक पंच हो गया, अपर कट हो गया, लो राउंड हाउस किक हो गया, आपको फ्रंट किक माइग्री हो गया, बैक किक हो गया, कुछ एल्बो अटैक, कुछ फिस्ट अटैक, कुछ पामी हिलाना अटैक, आपको ये सब सीखना चाहिए। आप नहीं सीखोगे तो खुद की सेल्फ डिफेंस खुद नहीं कर पाओगे। फेक सेल्फ डिफेंस छोड़िए, रियल मार्शल आर्ट सीखिए। रियल मार्शल आर्ट क्या है, कैसे सीखना है, कैसे आपको सेल्फ डिफेंस, खुद की सेल्फ डिफेंस खुद करना है, आप सीखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर SMS करो, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए आपको टाइप करना होगा FLMMartialArts.academy, टाइप करके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। और आपको सीखना चाहते हो, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेल्फ डिफेंस क्लास करूँगा, जैसे पार्ट वन से लेकर कुछ पार्ट लेके आऊँगा, जो आपको सेल्फ डिफेंस करने में बहुत आसानी होगी और आप घर में रहकर आसानी से सीख पाओगे। जैसे पहला टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, आप कैसे अटैक करोगे और उस अटैक को कैसे ब्लॉक करोगे, आपको कैसे किक मारना है और ग्राउंड फाइट कैसे करना है, आपको ग्रैपलिंग एंड थ्रोइंग टेक्निक कैसे करना है, फिर आपको लॉक कैसे करना है, कोई आपको ज़मीन पर गिरा के लॉक कर लिया तो आप कैसे अनलॉक करके निकलने वाले हो। मैं जिजुत्सु मुए थाई के कुछ टेक्निक सिखाऊंगा, जिससे आप घर में रहकर आसानी से सेल्फ डिफेंस सीख सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप भी मेरे मेंबरशिप ले सकते हो, और सब्सक्राइब बटन के नीचे ज्वाइन बटन है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और सीख सकते हो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जब मैं वीडियो पोस्ट करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, कि आप घर में रहकर आसानी से सीख पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए सेल्फ डिफेंस का क्लास पार्ट 1 लेके आऊँगा, जिसमें आप घर में रह के आसानी से सीख पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।